मौर्य शूद्र हैं, मौर्य शोषित हैं, मौर्य पीड़ित हैं। मौर्यों का इतिहास ब्राह्मणों ने नष्ट कर दिया, ब्राह्मणों ने मौर्य साम्राज्य नष्ट कर दिया। ऐसे ढेरों मनगढ़ंत और घटिया स्वकल्पित फर्जी लेख कथा कहानी बनाकर धर्मांतर गिरोह के एजेंट मौर्य समाज के लोगों में हीनता भरते हैं। वामसेप, नौबौद्ध, मिशनरी, चाइनीज एजेंट, वामी, कामी, गिरोह का काम ही यही है, हिंदुओं की जातियों में घुसकर हर जाति को एक दूसरी जाति के खिलाफ भड़काना और फिर उसको दबा कुचला शोषित पीड़ित बताकर इनके सामने ही इनके ऐतिहासिक गौरव का बलात्कार करना। नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का कुशवाहा वॉयस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। धर्मांतरण गिरोह के सपोले आजकल कुशवाहा मौर्य समाज के बीच काफी सक्रिय है और इस समाज को झूठे फर्जी विदेशी धर्म के जंजालों में फंसाकर इनका वास्तविक इतिहास मिटाने पर तुले हैं। इस समाज में कुछ सपोले धर्मांतरण गिरोह के गुर्ग के तौर पर कार्य करते हैं और राजनीतिक आर्थिक लाभ के चक्कर में अपने ही समाज के इतिहास से गद्दारी करते हैं। ये अक्सर झूठे और फर्जी इतिहास को सामने रखकर उस हर एक बात को झुठलाते हैं जिससे भारत की अस्मिता एवं आत्मीयता जुड़ी हो। ये कहते हैं कि भारत के प्राचीन वंश सूर्य वंश एवं उस वंश की प्रसिद्धि अप्रमाणिक है, या ऐसा कोई वंश भारत में कभी था ही नहीं, या मनु मौर्यों के शत्रु हैं, या मनु के सिद्धांतों पर चलने वाला मनुवाद ही मौर्यों के पतन का कारण है। जबकि आज हम आप सबके बीच कुछ ऐसे साक्ष्यों को रखने वाले हैं जिससे सिद्ध होगा कि मौर्य स्वयं महर्षि मनु के वंशज हैं, मौर्य विशुद्ध रूप से सूर्यवंश क्षत्रिय हैं और मनु के सिद्धांतों और आदर्शों पर चलने वाले वंश के लोग हैं। इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के वघाली नामक स्थान पर, जहां पर एक शिव मंदिर बना है, काफी प्राचीन है, और इस प्राचीन शिव मंदिर से एक प्राचीन अभिलेख प्राप्त किया गया जो लगभग 1000 ईस्वी प्राचीन है। इसका उल्लेख इपिग्राफी ऑफ इंडिका ब्लॉक 2 में किया गया है। इस अभिलेख की द्वितीय पंक्ति में सूर्य वंश से मौर्य वंश की उत्पत्ति के बारे में लिखा है, साथ ही इसमें मनु एवं मानधाता नामक सूर्यवंशी राजाओं का मौर्य वंश के पूर्वजों के रूप में भी उल्लेख किया गया है। यह श्लोक मैं अभी आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं, आप इसे देख लें और पढ़कर इसे समझने का प्रयास करें। इसका अर्थ मैं आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं। इस पंक्ति में मनु एवं मानधाता का मौर्य वंश से संबंधों का गौरवपूर्ण वर्णन किया गया है। इसी अभिलेख में वघाली के अन्य मौर्यवंशी राजाओं के नाम भी हैं, जैसे कीटक मौर्य, तक्षक मौर्य, भीम मौर्य, गोविंद राज मौर्य आदि। अभिलेख में मौर्य प्रसाद में ब्राह्मणों के संरक्षण तथा जगह जगह भगवान शिव की स्तुति देखने को मिलती है, जिसे तीसरी पंक्ति में भी देखा जा सकता है। उक्त प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि मौर्य महर्षि मनु के वंशज हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और उस पवित्र कुल से संबंध रखते हैं जिस कुल में भगवान राम सम्राट कुल जैसे महाप्रतापी राजा हुए हैं। साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि मौर्य साम्राज्य 1000 ईस्वी तक अपनी संपूर्णता और गौरवशाली इतिहास के साथ अस्तित्व में था। साथ ही अधिकतर मौर्य सम्राट हिंदू धर्म के अनुयायी थे, सनातन धर्म के धर्म रक्षक एवं सूर्यवंश के प्राचीन गौरव को ख्याति प्रदान करने वाले थे। अतः मौर्य शूद्र नहीं है बल्कि भारत के सबसे महान वंश से संबंध रखते हैं। अतः मौर्यों को पिछड़ा, शोषित, पीड़ित, दरिद्र बताने वाले गद्दारों और आस्तीन के सपोलों से इस समाज को जागरूक रहने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं दल्लों और चाइनीज के वित्त पोषित एजेंटों को हमारी यह वीडियो अच्छी तो नहीं लगेगी, लेकिन क्षमा करना दल्लों, यह वीडियो हमने आपके लिए बनाया भी नहीं है। यह वीडियो हमने स्वाभिमानी मौर्य समाज के लिए बनाया है, अतः इस वीडियो को देखकर अगर गैस बनने लगे तो फ्री की सलाह है, जमाल गोटा पियो और चैनल से प्रस्थान करो। बाकी जिन में गौरव, स्वाभिमान और आत्मविश्वास और ऐतिहासिक तथ्यों को स्वीकार करने की क्षमता है, वह हमारे साथ बने रहे। हम उनके लिए ऐसे ही ऑथेंटिक प्रमाणिक वीडियो उनके उज्जवल इतिहास के संदर्भ में लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।